नमस्कार दोस्तों, लिनक्स सर्वर के कमांड वीडियोस में ये नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम यूज़र को ऐड करना, ग्रुप को ऐड करना, यूज़र को डिलीट करना, यूज़र में चेंज करना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। टर्मिनल ओपन किया। सबसे पहले यूज़र ऐड करने के लिए यूज़र ऐड देन नेम ऑफ यूज़र। सपोज मैं यूज़र फोर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो यूज़र फोर नाम का एक यूज़र मैंने क्रिएट किया, एंटर किया। अब मुझे चेक करना है कि इसको मैंने ये मेरा यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं। देन उसके लिए मैं कमांड चलाऊँगा, एक पासवर्ड फाइल चेक करूँगा /etc/password में। इसमें सारे यूजर की एंट्री मिल जाएगी। एंटर किया, नीचे आऊँगा मैं, तो ये जो मैंने यूज़र अभी जस्ट क्रिएट किया है, यूज़र फोर, ये यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसमें इंफॉर्मेशन जो ये रो दे रही है, इसमें फर्स्ट कॉलम इंफॉर्मेशन अबाउट यूज़र दैट यूज़र फोर, देन इट इज़ सेकेंड कॉलम इज अबाउट इनक्रिप्टेड पासवर्ड XO, द पासवर्ड इज इनक्रिप्टेड। Then this is 502 is user ID. ये user ID को शो करता है mostly। ये Linux 6 में जो user ID स्टार्ट होती है 500 से स्टार्ट होती है, बट नेक्स्ट वर्जन्स में ये ID 1000 से स्टार्ट होती है। तो यूजर्स को जो मैनुअली यूजर क्रिएट करते हैं उसको ID 500, 501, 502 इस तरीके से ID प्रोवाइड की जाएगी। ये ग्रुप ID इनिशियली ये सेम यूज़र और सेम ग्रुप रहता है, जब हम ग्रुप चेंज करेंगे देन उसकी आईडी यहाँ पे आ जाएगी। देन नेक्स्ट कॉलम ये कमेंट, कोई भी अगर हमको डिस्क्रिप्शन देना है अबाउट यूज़र देन कमेंट, ये ब्लैंक है अभी। आफ्टर दैट यूज़र की होम डायरेक्टरी, यूज़र वेयर द यूज़र विल लाई, देन यूज़र फोर लाई इन होम डायरेक्टरी /home, तो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ होम डायरेक्टरी ऑफ यूज़र एंड दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ लॉग इन सेल बिन पास। नाउ बाहर आने के लिए क्यू। नेक्स्ट कमांड अब हम चलाएंगे किसी भी यूजर को डिलीट करने के लिए। सपोज मैं चाहता हूँ कि यूजर फोर को मैं डिलीट करूँ, देन उसके लिए कमांड यूजर डेल देन नेम ऑफ यूजर यूजर फोर, एंटर। दोबारा से मैं चेक करता हूँ मेरा यूजर डिलीट हुआ कि नहीं। ETC पासवर्ड में जाता हूँ, देन आप चेक करेंगे कि यूजर फोर यहाँ से डिलीट हो गया है। नाउ सेकंड कमांड टू चेक ग्रुप। ग्रुप को चेक करने के लिए हमारी कमांड vi, चेक करेंगे इसकी ग्रुप फाइल ETC के अंदर ग्रुप नाम से, ETC में ग्रुप नाम से एक फाइल, देन दिस इज द फाइल यूजर वन ग्रुप नंबर 500, यूजर टू ग्रुप नंबर 501। अब हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे मैनुअली। सपोज मैं चाहता हूँ किसी ग्रुप का नाम ऐड करना, जैसे सपोज कोई लिनक्स के नाम से ग्रुप ऐड करना चाहता हूँ, तो देन कमांड ग्रुप ऐड लिनक्स नेम ऑफ ग्रुप, कमांड इज ग्रुप ऐड एंड नेम ऑफ ग्रुप, एंटर। नाउ आई विल चेक देन ए न्यू ग्रुप लिनक्स इज क्रिएटेड एंड विच हैज ग्रुप आई डी 502। इन पासवर्ड फाइल चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो हमारे कॉलम है इसके बारे में। दिस इज यूजर देन इनक्रिप्टेड पासवर्ड यूजर आईडी ग्रुप आईडी देन कमेंट। अभी कमेंट इसमें ब्लैंक है, नील है। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई कमेंट इसमें देना, तो ये कमेंट यहाँ पे देंगे, तो ये कमेंट हमारा जब हम लॉग इन करेंगे नहीं इसीलिए, तो वहाँ पर जो यूज़र आएगा यूज़र की नेम की जगह वो कमेंट वहाँ पर शो करेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कुछ कमेंट देना,
तो उसके लिए मैं जैसे सपोज यहाँ पे मैं कमेंट देना चाह रहा हूँ उसको, टेस्टिंग यूजर टू को, तो मैं इसके लिए कमांड चलाऊंगा यूजर मोड हाइफन सी फॉर कमेंट, देन इनवर्टेड कॉमा, सपोज आई वुड लाइक टू गिव कमेंट फॉर टेस्टिंग, देन दिस इज द कमेंट विच आई वॉन्ट टू शो ऑन यूजर टू, यूजर मोड हाइफन सी एंड द नेम ऑफ कमेंट वाज वट एवर यू वॉन्ट टू गिव द कमेंट एंड यूजर टू एंटर, देन आई चेक स्लैश etc देन पासवर्ड, देन दिस कमेंट इज एडिट इन हियर एंड ओरिजिनली दिस कमेंट इज शोन वेयर इट इज शोन, आई देन चेक फर्स्ट जैसे आई मैं रिमूव करता हूँ उसको सिस्टम को, ओके देन जो हमने कमेंट वहाँ पे यूजर टू के लिए दिया था तो वो कमेंट यहाँ पे स्टार्टिंग में शो करता है, तो ये कमेंट वो हमने वहाँ सेट किया है, मैं रूट को लॉगिन करता हूँ, नेक्स्ट कमांड परमिशंस के लिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पर जो भी फाइल फोल्डर हैं वो विद परमिशन यहाँ पे शो करें, सपोज अभी एलएस पे कुछ भी नहीं है, मैं ये क्रिएट कर देता हूँ, मैं डायरेक्टरी मैं कुछ डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ D1 D2 एंड D3 एंड कुछ फाइल क्रिएट कर देता हूँ F1 F2 एंड F3, मैंने चाहता हूँ उनको फुल डिटेल के साथ शो हो, तो लिस्ट माइनस एल कमांड चलाई, देन यहाँ पे ये सारी फाइल्स आ गई हैं विद डिटेल जो मैंने पहले बताया आपको, फर्स्ट में क्या है फर्स्ट आपका कॉलम ये शो करता है परमिशंस एंड सेकंड कॉलम इट विल शो लिंक काउंट, लिंक काउंट के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, दिस इज ओनर नेम कि इसका जो फाइल ये बनाई है इसका ओनर कौन है एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो देन अभी तो फिलहाल रूट ही है, रूट में ही फाइल क्रिएट हो रही है एंड इनिशियली एंड ग्रुप भी उसका रूट ही है, मैंने अभी को इसका ग्रुप कोई चेंज नहीं किया है, एंड दिस इज़ द साइज ऑफ फाइल नेम एंड कौन सी डेट को बनाई गई है कितने टाइम पे एंड दिस इज द नेम ऑफ फाइल और डायरेक्टरी जो क्रिएट की गई है, ये परमिशन में डी सामने है, फर्स्ट लेटर अगर डी है तो दैट मीन्स दैट इज डायरेक्टरी, दैट परमिशन फॉर डायरेक्टरी, अगर हाइफन है तो दैट मीन्स इट इज़ फाइल, ओके तो परमिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें टोटल फर्स्ट लेटर को छोड़ दें दैट इज़ फॉर फाइल और डायरेक्टरी, उसके अलावा टोटल 9 लेटर होते हैं, 3 3 एंड 3, 3 3 के पेयर हैं 9 लेटर एंड 3 3 के पेयर शो करते हैं फर्स्ट 3 लेटर फॉर ऑनर दैट इज रूट, सेकेंड 3 लेटर फॉर ग्रुप, फर्स्ट लेटर फॉर ऑनर एंड सेकेंड 3 लेटर फॉर रूट एंड लास्ट 3 लेटर फॉर अदर यूजर्स देन ऑनर एंड ग्रुप, आर डब्ल्यू आर मीन्स रीड, डब्ल्यू मीन्स राइट एंड एक्स में एग्जीक्यूट,
read write and execute. Full permission, when I want to give any full permission to owner, group and user, then there is something numbering of the permission. Root key, read key 4, write key 2 and execute key 1. Read key total 4 number, write key 4 2 number और execute का 1 number, 4 2 and 1 तो total हो जाता है 7. तो owner के लिए first 7. अभी मैं इसकी permission check करूँगा कि कितने number है इसमें. तो ये 7 first, 4 3 and 4 2 and 1 7, then 4 and 1 5 and 4 and 1 5. तो the permission of D1 is 755. Second file की check करूँगा, same second file का है 755. File का check करता हूँ मैं, read and write है, that means 4 and 2 6. Then read 4 and 4 644. Again 644 and 644. तो ये permission है इसमें. Suppose I want to change the permission. मैं किसी की permission change करना चाह रहा हूँ. जैसे ये डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी में मैं चाह रहा हूँ कि इसकी परमिशन मैं ऑनर के लिए तो फुल परमिशन है चेक करने के लिए, एंड बट ग्रुप के लिए इसमें रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है ग्रुप के लिए इसमें. इस डायरेक्टरी में ग्रुप में कोई भी ऐड होगा वो उसमें बस उसको रीड कर सकता है, उसको राइट नहीं कर सकता उसमें कुछ भी. सेम अदर यूज़र के लिए भी है. मैं चाहता हूँ कि इसमें तीनों को फुल परमिशन दे दूँ रीड राइट और एग्जीक्यूट करने की. तो उसके लिए कमांड chmod चेंज मोड, देन नंबर ऑफ फुल परमिशन. फुल परमिशन नंबर क्या हो जाएगा, 777 क्योंकि रीड राइट एग्जीक्यूट टोटल सम कितना होता है इसका 7. इसको भी मैं रीड राइट एग्जीक्यूट करूँगा और इसको भी मैं रीड राइट एंड एग्जीक्यूट करूँगा. तो 777 किसको देना चाहता हूँ, D1 को. एंटर किया. अब मैं दोबारा से चेक करूँगा माइनस LD, सेपरेट चेक करने के लिए LD लगाते हैं D1. तो इसमें आप देखोगे ये टोटल फुल परमिशन आ गई है उसकी, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट एंड रीड राइट एग्जीक्यूट. LS माइनस L से भी चेक कर सकते हैं इसको. तो ये आ गई रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड. यहाँ पर पहले राइट नहीं था. सपोज मैं फाइल की परमिशन चेंज करना चाहता हूँ उसकी, ये फाइल है जो F1, इसको मैं फुल परमिशन देना चाहता हूँ ऑनर को, ग्रुप पॉइंट यूजर को. देन फुल परमिशन के लिए मैं इसका मोड चेंज करता हूँ. द फुल परमिशन मोड ऑफ फाइल के लिए क्या है कि डायरेक्टरी को हम डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी डाटा डाल सकते हैं, डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी एंड द फाइल एंड समथिंग, तो उसको एग्जीक्यूट बोलते हैं. तो देन हम डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. द परमिशन ऑफ एग्जीक्यूट इज एप्लीकेबल बट इन फाइल, फाइल ओनली आप चेक कर सकते हो, उसको खोल सकते हो, उसमें कुछ भी अंदर डाटा नहीं डाल सकते हो, आप डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकते हो या समथिंग. तो उसमें हम उसको एग्जीक्यूशन नहीं होता, ओनली आपका रीड और राइट कर सकते हो फाइल के अंदर. तो इसलिए मैं एग्जीक्यूट का इसमें नहीं नंबर होता है, रीड एंड राइट का होता है. तो ओवरऑल परमिशन रीड और राइट की 6, रीड 4 और राइट 6, रीड 4 एंड राइट 6, तो 666 इसकी ओवरऑल परमिशन होती है 666. अगर मैं चाहता हूँ फुल परमिशन देना तो चेंज मोड टोटल 6, देन नेम ऑफ फाइल, फाइल का LS माइनस LL. तो यहाँ पे ये फाइल वन को मैंने परमिशन दी है, तो यहाँ पे रीड राइट रीड राइट रीड राइट ओवरऑल परमिशन इसको एग्जीक्यूट हो गई है. तो इस तरीके से हम यहाँ पे परमिशन को चेक करते हैं, फाइल परमिशन को चेंज किया जाता है. नेक्स्ट, जैसे मैंने कमांड चलाई यहाँ पे LS माइनस L, फर्स्ट परमिशन चेंज हो गई, सेकंड इसमें लिंक काउंट है, थर्ड ओनर. मैं चाहता हूँ इस फाइल का ओनर को चेंज करना, कि सम कोई रूट की जगह समथिंग अदर ओनर हो जाए इसका, कोई अदर यूजर को इसका ओनर बना दूं मैं. तो देन उसके लिए कमांड चेंज ओनर, चेंज ओनर. सपोज आई वांट टू मेक ओनर यूजर 1 फॉर दिस फाइल,
यूजर वन एंड देन फाइल नेम ऑफ फाइल और डायरेक्टरी। जी बात एंटर एल एस माइनस एल डी और सेपरेट चेक करने के लिए किसको डी वन को एंटर किया। तो यहाँ पे रूट की जगह पहले जहाँ रूट था अब यहाँ क्या आ गया यूजर वन, इसका ओनर चेंज हो गया वो क्या हो गया यूजर वन। अभी जैसे सपोज मैंने इसका ओनर चेंज किया है एंड इस डायरेक्टरी के अंदर इनसाइड और मैं डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। सपोज मैं गया यहाँ मैंने अदर डायरेक्टरी क्रिएट की डी जैसे सपोज डी फाइव डी सिक्स एंड डी सेवन, तीन डायरेक्टरी मैंने इसके अंदर क्रिएट किए एंड फाइल भी क्रिएट किया है सपोज एफ फाइव एंड एफ सिक्स चेक किया मैंने। अभी मैं चेक करता हूँ डी वन के अंदर, तो डी वन के अंदर जो फाइल एंड डायरेक्टरी क्रिएट किए हैं उनके ओनर अब भी रूट ही हैं। मैंने आउटसाइड में जो मेन डायरेक्टरी है जिसके अंदर ये है उसका तो ओनर यूजर वन चेंज हो गया बट इसका इनके अभी ओनर रूट ही है। देन अगर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टरी के अंदर जो भी डाटा है सबके ओनर एक साथ चेंज हो जाए देन उसके लिए कमांड में चलाऊंगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि अभी डी वन के यहाँ कमांड चलाता हूँ मैं एल एस माइनस एल एल, तो यहाँ पे जो डी वन है इसका यूजर वन है इसके अंदर जो भी डाटा है करता हूँ इसके अंदर जो भी डाटा है उसके ओनर का नाम यूजर वन हो जाए। देन उसके लिए कमांड है चेंज ओनर माइनस हाइफन कैपिटल आर हाइफन कैपिटल आर यूजर वन एंड नेम ऑफ डायरेक्टरी डी वन एंटर किया एल एस माइनस एल लगाया। अच्छा डी वन में गया मैं यहाँ एल एस एल लगाया तो आप यहाँ देखोगे जितने भी फाइल और डायरेक्टरी हैं उसके अंदर सबका ओनर नेम यूजर वन हो गया है। ठीक है नेक्स्ट कमांड यहाँ से बैक जाते हैं पेरेंट डायरेक्टरी में डबल डैश तो एल एस माइनस एल द्वारा लगाता हूँ मैं ओनर नेम हमने चेंज किया। अब हम चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि ग्रुप को चेंज करना, अभी इन सारी फाइल और डायरेक्टरी के ग्रुप हैं रूट, अभी मैं चाहता हूँ कि इनका ग्रुप का नाम रूट की जगह अदर हो जाए तो पहले वो ग्रुप मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट मुझे जैसे मैंने लाइनक्स ग्रुप क्रिएट किया है मैं चाहता हूँ कि इस फाइल का ग्रुप नेम लाइनक्स हो जाए तो उसके लिए मैं कमांड चलाऊंगा चेंज ग्रुप लाइनक्स फॉर किसके लिए डी वन के लिए चेंज ग्रुप देन नेम ऑफ द ग्रुप एंड द डायरेक्टरी नेम एंटर किया चेक करने के लिए एल एस माइनस एल डी और डी वन। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ रूट की जगह लाइनक्स इसका ग्रुप नेम चेंज हो गया लाइनक्स हो गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जितने भी डी वन के अंदर अभी मैं डी वन में जाता हूँ बट यहीं चेंज हुआ है वो अंदर चेंज नहीं होगा। डी वन में गया मैं यहाँ एल एस लगाया मैंने प्लस माइनस एल तो आप देखो क्या अभी रूट है उसके अंदर जो भी फाइल एंड डायरेक्टरीज हैं अभी उसका ओनर रूट है। तो सेम मैं चाहता हूँ कि इनका भी एक साथ ओनर नेम चेंज हो जाए वो लाइनक्स हो जाए तो उसके लिए कमांड चेंज ग्रुप हाइफन आर कैपिटल में एंड लाइनक्स देन नेम ऑफ डायरेक्टरी एंटर। अभी मैं चेक करूँगा डी वन में जाता हूँ देन एल एस माइनस एल लगाता हूँ तो यहाँ आप देखोगे जितने भी ग्रुप हैं सारे क्या हो गए लाइनक्स। ठीक है ओके एग्जिट किया मैंने यहाँ से क्लियर करता हूँ इसको। तो ये भी आपने परमिशन लगाना एंड यूजर को क्रिएट करना ग्रुप को क्रिएट करना देन यूजर और ग्रुप को चेंज करना ऑनर को चेंज करना ग्रुप को चेंज करना परमिशंस देना ये भी आपने सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और कमांड के बारे में पढ़ेंगे।
तब के लिए धन्यवाद।